आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोटो जी 40। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले मोटोरोला ने लॉन्च किया था अपना एक डिवाइस मोटो जी 40, लगभग एक साल पहले। एंड जो डिवाइस है उस टाइम ये लॉन्च हुआ था 16,000 के आसपास। एंड अभी ये जो डिवाइस है प्राइस ड्रॉप होकर आ चुका है 13,499 रुपीज में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो डिवाइस है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बात करेंगे इस डिवाइस की डिटेल में, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन को प्रेस करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मेरा नाम है माही, आप देख रहे हैं रिव्यू फॉर यू। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है बॉक्स मोटो जी 40 का, आप देख सकते हैं जो बॉक्स है हम लोग को एक्जैक्टली सेम टू सेम मोटो जी 60 का ही देखने को मिल जाता है। एंड आप लोगों को पता ही होगा मोटोरोला का हर जो डिवाइस का बॉक्स आता है कुछ इस तरीके का ही देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए इस बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स एंड देखते हैं इसके अंदर कॉन्टेंट जो हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों बॉक्स हो चुका है अनबॉक्स एंड अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हम लोग को देखने को मिल जाता है मेन डिवाइस। एंड वाओ ये जो डिवाइस है एक प्रोटेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है, एक ट्रांसपेरेंट कवर। तो कवर क्वालिटी जो है दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हो ये जो कवर क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है। एंड ये है डिवाइस दोस्तों, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी इसको फिलहाल कर लेते हैं साइड। एंड यहाँ पे एक एम्वलप, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सिम इंजेक्टर टूल और यहाँ पे सेफ्टी गाइड वगैरह। एंड यहाँ पे एक 20 वाट का फास्ट एडाप्टर। एंड यहाँ पे एक USB टू टाइप सी केबल। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर जो कंटेंट दिया गया है सिर्फ यही देखने को मिलता है। तो बॉक्स को कर लेते हैं साइड एंड बढ़ते हैं डिवाइस की तरफ। दोस्तों ये है डिवाइस, आप देख सकते हो मोटो जी 40। लुक्स इसका काफी अमेजिंग है दोस्तों, काफी शाइनिंग ग्लोसी के साथ है जो डिवाइस है। बैक साइड में यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, एक LED फ्लैश लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर। ये जो डिवाइस है दोस्तों काफी अमेजिंग लग रहा है लुक्स इसका। एंड फ्रंट साइड में यहाँ पे एक हम लोग को फिल्म देखने को मिल जाता है, तो चलिए इसको कर लेते हैं रिमूव। एंड वाओ ये जो डिवाइस है दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो लुक्स है काफी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। आपको कैसे लग रहा है दोस्तों कॉमेंट में जरूर बताइए। एंड चलिए जल्दी से इस डिवाइस को कर लेते हैं बूट। तो दोस्तों डिवाइस को हो जाने देते हैं बूट एंड बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पे बैक साइड में हम लोग को देखने को मिल जाता है एक प्राइमरी माइक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में यहाँ पे आप लोग को गूगल असिस्टेंट का बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन, एक पावर बटन। टॉप पे यहाँ पे 3.5 mm हेडफोन जैक, एक सेकेंडरी माइक। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे दो सिम कार्ड, एक SD कार्ड भी आप यूज कर सकते हो। दोस्तों डिवाइस हो चुका है बूट एंड चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं सेटअप। गाइस डिवाइस को मैंने कर दिया था सेटअप एंड चलिए अभी बात कर लेते हैं इसका थिकनेस के बारे में। तो यहाँ पे थिकनेस जो है आप लोग को देखने को मिल जाता है 9.8 mm का थिकनेस। एंड चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं वेट, हम लोग को कितना देखने को मिलता है। तो दोस्तों वेट जो हम लोग को देखने को मिल जाता है 220 ग्राम, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी दिया गया है, तो इस वजह से जो डिवाइस इसका वेट थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। एंड बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बॉडी दिया गया है एंड बैक साइड में भी आपको प्लास्टिक का ही पैनल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 6.8 inch की फुल HD+ IPS LCD, जो कि आता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। एंड बात करते हैं इसकी ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे आपको 600 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड 11, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। इसमें आपको कोई ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, एंड्रॉइड एक्सपीरियंस जो है आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड चलिए अभी बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर, जो कि आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप BGMI फ्री फायर वगैरह प्ले करते हो तो इसमें आपको एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा मिलेगा। चलिए अभी बढ़ते हैं सिक्योरिटीज की तरफ, देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक हम लोग को कैसा देखने को मिलता है। तो फिंगरप्रिंट जो है दोस्तों स्लाइटली स्लो है, चलिए अभी चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक कैसा काम कर रहा है। तो फेस अनलॉक जो है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे काफी फास्ट है। तो अभी बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे आपको मेन रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा
64 मेगापिक्सल का एंड 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको पंचोल कैमरा दिया गया है, सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। एंड चलिए अभी चेक कर लेते इसका कैमरा क्वालिटी हम लोग को कैसा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है हम लोग को काफी डिटेल देखने को मिल जा रहा है। एंड कलर की बात करें तो यहाँ पे कलर भी हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। वीडियो की बात करें दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 4K 30fps तक का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड 1080p 30fps 60fps एंड 240fps तक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो कैमरा से दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है मेन कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है एंड सेल्फी कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा काफी डिसेंट सा देखने को मिल जाएगा। एंड ओवरऑल ये जो डिवाइस है दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अमेजिंग लगा, क्योंकि आपको ये जो डिवाइस है 13,499 रुपीज़ में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी दिया गया है एंड 6.8 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। एंड ये जो डिवाइस इसका कैमराज भी काफ़ी अच्छा है एंड परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। आपको ये डिवाइस कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस डिवाइस के बारे में बस इतना ही था एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।